हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ इट्स वर्कशीट नंबर 40 फॉर क्लास 10th, शेड्यूल टू बी डन ऑन 6th October 2020। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर स्टूडेंट, योर नेम, योर क्लास टीचर्स नेम, योर रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज ऑफ मॉडल्स इन टेलिंग अबाउट गुड मैनर्स। सी, टू शो रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, वी यूज द सेंटेंस विल यू ओपन द डोर फॉर मी। बेटा, आप इसके साथ साथ ये कन्वर्सेशन के लिए सेंटेंसेस को लर्न भी कर लीजिएगा। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू कन्वर्स इन इंग्लिश। आप अपने से छोटों के साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे और बहुत इजी वे में आपको बताया गया है कि कब हमें कौन से वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, कब वुड, कुड और शुड का यूज़ करना है, और किस तरह से हम पोलाइट वे में किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो देखिए, विल यू कहाँ यूज़ होता है। विल यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये गुड मैनर्स में वुड का यूज़, विल का यूज़ जो ये सारा हो रहा है, आप देखिए इसमें क्या क्यों किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। प्लीज़ यूज़ दिस एक्सप्रेशंस व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। देखिए, सेम ही बात को किस तरह से कहा गया और सबसे पोलाइट आपको कौन सा लगेगा, जहाँ 3 magic words का यूज़ होता है। वेरी गुड। कौन कौन से हैं 3 magic words? यस, सॉरी, Please and yes, sorry, please and thank you. तो हमारा 3rd magic word for most important thank you। हमें हमेशा thank you note देना चाहिए। अगर किसी ने हमारी help की है तो हमें thank you ज़रूर बोलना है। तो देखिए, could you please, अब यहाँ please bracket में क्यों है, क्या please का use कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी। Could use किया जाता है polite way में बोलने के लिए। Could you open the door? Could you please open the door? Could you possibly open the door? देखिए, एक ही बात को बोलने के 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा polite कौन सा है? Could you please open the door? Would you kindly open the door? देखिए, एक ही बात को कहा जा रहा है, लेकिन आपको जो sentence अच्छा लगता है आप उसको use कर सकते हैं। Would you mind opening the door? आप बुरा तो नहीं मानेंगे दरवाज़ा, अगर मेरे लिए प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। Would you be so kind to open the door? क्या आप मेरे लिए इतना kindness दिखाएंगे कि आप ये door खोल दीजिए मेरे लिए। तो आप देखिए, एक ही बात को बोलने का, और अगर आप single sentence बेटा हर sentence के साथ जोड़ के बनाना चाहते हैं और जो हमेशा के लिए आप हर जगह use कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी could you please। आप बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि बाकी तो आप बड़े और छोटे के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में कहते हैं ना यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल जो यूज़ हो सकता है वो हो सकता है कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कुड यू प्लीज़ कीप माई बुक, कुड यू प्लीज़ शट द डोर। तो यहाँ पे आप इसको अपना एक फेवरेट फ्रेज समझ लीजिए, जिसका यूज़ आप किसी भी वर्क के लिए कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़। अब देखिए, गुड मैनर्स, तो गुड मैनर्स क्या होते हैं, क्या है हमारे गुड मैनर्स। गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड, इट इज़ वे टू पे योर रिस्पेक्ट। गुड मैनर्स वो हैं जिससे दूसरों को अच्छा लगता है, आपका वो बिहेवियर जो लगता है वो अच्छा लगता है, और आप अपनी रिस्पेक्ट भी पे करते हैं उनको। आप उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, आप इज्जत करते हैं उसको, आप उसके थ्रू अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू, गुड मैनर्स आपके अंदर की वो अच्छाई को दिखाता है। एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू, और दूसरों को भी इसके लिए एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो भी, देखो, डू टू अदर्स एज यू वॉन्ट देम टू डू विद यू। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही तो आपके साथ करेंगे, गिव एंड टेक। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें, आपको उसी तरह से दूसरों के साथ करना है। तो जब आप पोलाइटली बोल रहे हैं, आप गुड मैनर्स में बोल रहे हैं, तो क्या होगा,
आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो भी बहुत अच्छे तरह से मिलेगा। आप उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी आपसे पोलाइट वे में, पोलाइट एक्सप्रेशंस के साथ बात करें विद रिस्पेक्ट। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट। तो बेटा क्या है, प्लीजेंट कैसे बनाएंगी? जब आप गुड मैनर्स में पोलाइटली डेली बेसिस पे बात करोगे तो क्या होगा, जब आप डेली बेसिस पे वो बिहेवियर होगा तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप डेली बेसिस पे वो बिहेवियर है अगर आपका, तो वो बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो बिहेवियर आपकी क्या फॉर्म करेगी, हैबिट। तो आपकी जब वो बात करने की आदत हो जाएगी, आप सबको ही रिस्पेक्ट देंगे। तो सबको क्या चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो बेटा, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भी हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी। अब देखिए हमारा अगला क्या है, लुक एट द यूज़ ऑफ मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स। द यूज़ ऑफ मॉडल्स वुड, कुड, शुड इज यूजुअली मेड टू शो योर कर्टसी टू अदर्स। आप अपनी रिस्पेक्ट जो है वो दूसरों को शो करने के लिए वुड, कुड और शुड का यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ कब कब किस सिचुएशन में होता है, दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस। ये किसके बारे में होता है कि पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए कुड, कुड कहाँ यूज़ होता है, जो इवेंट पॉसिबल है, जो कम पॉसिबल है। कुड इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल। और वुड कब होता है, वुड इज़ यूज टू से टॉक अबाउट पॉसिबल और इमेजिन्ड सिचुएशन। वुड क्या होता है, उसको सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं, उसका कल्पना करते हैं। तो उस कंडीशन में जिस सिचुएशन की हम कल्पना कर रहे हैं वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। और शुड, शुड होता है एडवाइज़ या सजेशन। जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं तो आप शुड का, कि चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, शुड। अब देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट गुड मैनर्स चूज़ द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। अब आपको क्या है बेटा, चॉइसेस दी गई हैं आपको फिलिप्स में। ये मॉडल्स कौन कौन से हैं, वुड, शुड और कुड। तो कुड कहाँ है, पॉसिबिलिटी, कर सकता था, कर सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं, पोलाइटनेस के साथ बोल रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। वुड, शुड, चाहिए, ऐसा करना चाहिए हमें, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो अब देखिए वन डैश स्टैंड अप व्हेन एल्डर्स पर्सन एंटर अ रूम। तो जब कोई बड़ा अगर आपके रूम में आता है, आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, हमें खड़े हो जाना चाहिए। वन शुड स्टैंड अप, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर उसको सलाह दी गई है, उसको सुझाव दिया गया कि आपको क्या करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जब कोई बड़ा आए तो छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना। तो आप देखिए नेक्स्ट है, इट इज़ गुड मैनर्स इफ़ यू डैश। तो यहाँ पर आपका देखिए, इफ़ यू डैश मेक आई कॉन्टैक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू। तो कैसा होगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उसके आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, तो वो बेटर होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बेटर है। यू डैश यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। हमें दूसरों से बात करते हुए थैंक यू एंड यू आर वेलकम, जब आपके लिए कोई काम आपने कर दिया, किसी ने आपको थैंक यू किया, तो आप क्या बोलते हैं, यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। आप जब आप कन्वर्स कर रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को याद कीजिए और फिर इन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए, वी शुड यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम। इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़, ये बहुत अच्छा सभ्य माना जाता है, इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट। तो अगर आप एक थैंक यू नोट छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप छोड़ सकें तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा माना जाएगा। टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। अब बेटा अगर आपके घर कोई आया है तो आप उनको ऑफ़र करेंगे ना, कोई भी चीज़ है उनके सर्व करेंगे, उनके लिए छोटे छोटे काम आप खुद ऑफ़र करेंगे उनके लिए। तो टीच चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑफ़र टू सर्व पीपल हु एंटर। जो आपके घर के अंदर आया है वो ज़रूर आपका रिलेटिव है, आपका कोई जानने वाला है, तो यू शुड ऑफ़र टू सर्व पीपल। वो अपने आप तो किचन में पानी लेने नहीं जाएगा, आपको उनको पानी देना है, तो आपको उनको पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड। यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर्स फॉर अदर्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको दूसरे अगर आपके साथ कोई बड़ा है तो यू शुड ऑफ़र, आपको उनको ऑफ़र करना चाहिए कि लाइए मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ आपके लिए, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ आपके लिए।
बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कम्प्लीट नो फॉर ऑल। तो बाइटिंग नेल्स नाखून काटना, तो अब बताओ मुंह से नाखून अगर काट रहे हैं तो सबके लिए क्या है, एक बहुत गलत चीज़ है। तो वुड ऐसा क्या होगा, ये बिल्कुल नो हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए सभी को। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एट्थ पार्ट, लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल, ऐसे चाटना। लिकिंग क्या है, चाटना। अब वो अपनी उंगलियों को अगर आप चाटेंगे डाइनिंग टेबल पे सबके साथ खाना खा रहे हैं, डैश नॉट बी डन, तो नहीं करना चाहिए ना, कभी भी सबके साथ बैठे हुए ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बिहेव नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए इफ़ यू स्नीज और कफ, अगर आपको छींक आ गई, आपको खांसी आ गई, यू डैश यूज़ अ हैंकरचीफ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रुमाल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, यू शुड। व्हेन यू chew यानी कि चबा रहे हैं, व्हेन जब आप चबाते हैं अपने खाने को, व्हेन यू chew योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने मुंह को ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि मुंह बड़ा नहीं खोलते, छोटे बच्चों को बताते हैं खाना खाते हुए मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपको खाना खाते हुए मुंह बड़ा बड़ा नहीं खोलना है, ढंग से खाना है, विद गुड मैनर्स, तो सबको अच्छा लगे आपको खाता हुआ, बुरा ना लगे। तो कैसा होना चाहिए, आपके जेस्टर्स कैसे होने चाहिए, आपको किस तरह से खाना है, तो ये उनमें से कुछ हैबिट्स हैं कि आपको मुँह अपना ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है। ऑफरिंग फूड टू द हंग्री डैश बी अ गुड डीड, जब आप एक किसी भूखे को, ऑफरिंग फूड टू द हंग्री, एक भूखे को अगर खाना पूछेंगे तो क्या है, ये एक अच्छा काम है, ये कैसा होगा, ये अच्छा काम है, तो वुड उसका पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा काम है। आपने इमेजिन किया कि आप अगर किसी भूखे को खाना फूड ऑफर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम है। टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल, एनिमल्स को जानवरों को परेशान करना क्या है, बहुत गलत बात है। तो वुड टीजिंग एनिमल्स वुड बी बोथ गलत भी है, इनकरेक्ट एंड इमोरल, और अनैतिक भी है, बिल्कुल सही बात नहीं है। Raising your hands if you wish to say something dash be a good habit, तो क्या होगा कि raising hand, आप हाथ खड़ा करते हैं अगर आप कुछ कहना चाहते हैं क्लास में, तो raising your hand if you wish to say something, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, तो ये क्या कंसिडर होगा, ऐसी हमने इमेजिन की है कंडीशन कि क्लास में आप सब हैं, तो मैंने क्या कहा, इट वुड बी अ गुड हैबिट, अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो जो स्टूडेंट कहना चाहता है उसको हाथ रेज करना है, अपना हैंड रेज करना है, तो वो वुड भी हमने इमेजिन किया उस सिचुएशन को, और जहाँ इमेजिन करेंगे उसके लिए वुड यूज़ होता है। ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरी और वुमेन, तो यहाँ देखिए वुमेन को अगर आप किसी औरत को देखते हैं, किसी बड़े को देखते हैं, बुज़ुर्ग को देखते हैं, डैश बी अ काइंड जेस्टर, तो क्या होगा, वो एक बहुत अच्छा व्यवहार है, वुड बी अ काइंड जेस्टर। यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, आपको अपनी बारी आने तक के लिए वेट करना चाहिए, जब आपकी बारी आए आपको तब बोलना चाहिए। तो ये कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए बनाए गए हैं, ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, कंप्लीट योर वर्कशीट, एज वेल एज ट्राई टू लर्न दी सेंटेंसेस एंड ट्राई टू यूज दी सेंटेंसेस विद योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड try to converse in English and you will automatically be confident in using English. Don't worry about any mistake. बेटा starting में mistakes होती हैं, no problem. छोटे छोटे sentences को याद कीजिए, छोटे छोटे phrases को याद कीजिए, उनका use कीजिए, छोटे और simple sentences बनाइए, then try to use them, try to converse in English and you will be perfect after some time. So keep enjoying, keep learning, stay blessed and happy. Thank you so much.